गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम एवरीवन टू अवर एडवांस्ड अकाउंटिंग क्लासेस। ओके, तो आई होप आप सब लोगों ने स्टार्टिंग से, जो भी सब ग्रुप टू के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उन्होंने आज की सारी क्लासेस अटेंड की होंगी। यस और नो? तो आपके जो बैच है यू मस्ट ऑल नो कि रेगुलर चलने वाला है, और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं ग्रुप टू के, आई होप आप सब लोगों ने एक बार तो ग्रुप वन की प्रिपरेशन खुद से कर ली होगी। यस और नो? और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रुप टू यू वोंट गेट मच टाइम, आप टाइम लेगा फॉर योर एग्जाम्स। तो आपको यहाँ पर हर एक चीज को साथ साथ पढ़ना होगा, साइमल्टेनियसली पढ़ना पड़ेगा, और टेस्ट भी उसके साथ साथ चलेंगे, चाहे वो लाइव टेस्ट के फॉर्मेट में हो, चाहे वो किसी और भी फॉर्मेट में हो। तो आपको उसके लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि जैसे हमारा यहाँ पर बैच कंप्लीट होगा, विद इन 2-3-4 डेज या विद इन अ वीक आपको भी उसकी प्रिपरेशन, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो पूरी आपकी हो जानी चाहिए। फाइन, यू मस्ट ऑल नो द एडवांटेजेस ऑफ अपियरिंग इन बोथ ग्रुप्स। स्टिल मैं आपको कुछ ऐसे जो ग्राउंड रियलिटी है वो बता देता हूँ, हाउएवर सब बच्चों को वो मोस्टली पता होती है। अगर हम लोग ग्रुप टू की बात करें, यहाँ पर आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? यस, एडवांस्ड अकाउंटिंग, दैट इज यूर पेपर नंबर 5th। और कौन सा सब्जेक्ट है? ऑडिटिंग, देन FME को, और उसके बाद ESSM। और इन तीनों सब्जेक्ट्स की आप लोगों ने क्लास मेरी क्लास से पहले ही ले ली है। ओके, तो अब ग्राउंड रियलिटी ये है, अगर आपको स्कोर अच्छा करना है, चाहे ग्रुप टू हो बेसिकली या ग्रुप वन हो, स्पेसिफिकली इन ग्रुप टू यू हैव टू स्कोर वेरी वेरी गुड इन एडवांस्ड अकाउंट। दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, बिलीव मी। यहां पर अगर आप सोचते हैं कि बस 50 ले आएंगे, बिकॉज एवरेज 50 आपको करना होता है, तो यहां पर तो आपके 50 आ जाएंगे, बट इट इज नॉट दैट मच पॉसिबल और इजी कि फिर आपका टोटल 200 बन जाए। हमको टोटल भी तो 200 बनाना है। हाउएवर, अगर हम बोथ ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हैं तो हमें ईच 200 नहीं, हमें टोटेलिटी में 400 चाहिए होता है। बट स्टिल ये जो एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर है, इसके अंदर यू कैन स्कोर 70-80, इवन मच बियॉन्ड दैट, जितने आप वहां पर एफर्ट्स लगाते हैं तो। ओके जी, तो जितने भी हमारे यहाँ पर टॉपिक्स हैं उन सब में हमारी अगेन कॉन्सेप्चुअल अप्रोच रहेगी, कुछ भी रट्टाफिकेशन यहाँ पर नहीं चलने वाला। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर आपको अकाउंटिंग नहीं करनी, जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप में पढ़ी, ये एडवांस्ड अकाउंटिंग है। एडवांस्ड वर्ड से क्या फर्क पड़ता है अकाउंटिंग में, मतलब यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स होंगे वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होंगे। इंडस्ट्री स्पेसिफिक का मतलब होता है कि उसकी अकाउंटिंग किसी ना किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में वर्क कर रही होगी प्रैक्टिकली। वो ऐसा नहीं है कि वो एकेडमिकली बस आप पढ़ रहे हो और कहीं पर एप्लीकेबल नहीं होती, वो प्रैक्टिकली भी बिल्कुल वैसे ही एप्लीकेबल होगी। उसमें रूल्स वैसे ही रहेंगे जो एक्चुअल में प्रिवेल करते हैं, फॉर्मेट्स वैसे ही रहेंगे, और यहाँ पर आपको बहुत सारे और सब्जेक्ट्स का भी सिंक्रनाइजेशन करना जरूरी हो जाएगा। जैसे कि मैं कुछ कुछ चैप्टर्स में आपको पहले कुछ लॉज बता रहा हूँ। अगर हम लोग बैंकिंग एक्ट की बात करें, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की, तो बैंकिंग की अकाउंटिंग कैसे होती है, क्या बैंकिंग की अकाउंटिंग हमारे नॉर्मल सोल प्रोप्रेटरशिप, पार्टनरशिप या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की अकाउंटिंग की तरह होती है? आंसर इज नो। तो आपको हर एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक अपने माइंड को फ्रेम करना पड़ेगा, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, उसी के बाद आप उस पर्टिकुलरली टॉपिक की अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस लिखना, आप अपने नोटबुक्स के फ्रंट पेज पे इसको लिखेंगे, जिससे कि आपको हमेशा पता चलेगा कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर करनी है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड आफ्टरनून, सब बच्चे फटाफट से ऑनलाइन स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे। तो आओ जी, पहले तो हम लोग एडवांस्ड अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को समझते हैं कि हमको यहाँ पर करना क्या क्या है, और फिर हम आज की क्लास में बस एक बेसिक ओवरव्यू रखेंगे किसी एक फर्स्ट टॉपिक का। ओके, नेक्स्ट क्लास में होपफुली आप सबको बुक्स मिल जाएंगी, आज आपको नहीं मिली तो हैंडआउट अभी के लिए इनफ है, नेक्स्ट क्लास में यू विल बी अवेलेबल विद द बुक्स। चलो जी, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, और उनका एक वन लाइनर इंट्रोडक्शन भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअल में हमें यहाँ क्या देखना पड़ेगा, और जब हम लोग वो टॉपिक को करेंगे हमें बैक ऑफ द माइंड पता होगा कि हमें वहाँ पर क्या क्या चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका कोर्स डिवाइडेड है अंडर कोर अकाउंटिंग टॉपिक, जो बिल्कुल अकाउंटिंग है, मतलब यहाँ पर आपको कुछ भी थ्योरेटिकल काम नहीं करना, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मैं बात नहीं कर रहा, ये कोर अकाउंटिंग आपके टॉपिक्स है। अच्छा, इनमें से कौन 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 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे से ग्रुप वन अकाउंटिंग का नहीं पढ़ा है, कोई रेज योर हैंड, जिन्होंने ग्रुप वन अकाउंटिंग, अभी जो बैच हमारा कंप्लीट हुआ था वो मेरे से नहीं पढ़ा, तो आप लोगों ने कहीं और से पढ़ा, बिकॉज सेल्फ स्टडी किया। ओके गुड, चलो जी, तो कोर अकाउंटिंग टॉपिक्स की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमको यहाँ पर पढ़ना है रहेगा, दैट इज एम्प्लॉई
स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसके नोट्स अभी आपके पास अवेलेबल है, शॉर्ट में हम लोग बोलें तो ESOP। अभी आपने थ्योरिटिकली इसके बारे में कई लॉ वगैरह में बहुत कुछ पढ़ा होगा, बट एक्चुअल में इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, दैट वी विल स्टडी अंडर एडवांस्ड अकाउंटिंग। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, हम अपने खुद के एम्प्लॉयज को एक प्लान देते हैं, एक स्कीम देते हैं, एक ऑप्शन देते हैं कि हम उनको क्या देंगे फ्यूचर में, हम उनको शेयर्स देंगे, हम उनको स्टॉक देंगे। तो जब कंपनी शेयर्स देती है अपने एम्प्लॉय को, स्टॉक देती है, तो वो अपनी बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करती है, कैसे एक्सपेंस या रेवेन्यू जो भी है रिकॉग्नाइज करती है, वो हर हम चीज इस टॉपिक में समझने वाले हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बायबैक का मतलब होता है खरीद लेना वापस से, वापस से खरीद लेना क्या, अपने खुद के ही इशू किए हुए शेयर्स या सिक्योरिटीज। तो अगर हम अपने खुद के शेयर्स को बायबैक करते हैं, खरीदते हैं, तो अब कंपनी क्या अकाउंटिंग करती है, दैट वी हैव टू सी। अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग देखी थी जब कंपनी खुद क्या करती है, जब कंपनी इशू करती है शेयर, उसके हम लोगों ने अकाउंटिंग बहुत अलग अलग जगह पे देखी। यहां पर हम देखेंगे कि जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स को बायबैक करती है तो उसको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी होता है वो सब चीजें हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल एज यू ऑल नो, इंटरनल का मतलब है जहां पर कंपनी को किसी भी एक्सटर्नल पार्टी का या इंस्टीट्यूशन का असिस्टेंस नहीं चाहिए। यहां पर कंपनी इंटरनली ही कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकती है, अपनी एसेट्स को चेंज कर सकती है, अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकती है, अपने शेयर कैपिटल में कुछ चेंजेस कर सकती है। यहां पर कुछ एक्सटर्नली काम नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा कि कंपनी अपना एक डिपार्टमेंट को सेल आउट कर रही है या कंपनी किसी और डिपार्टमेंट को अपने साथ एड ऑन कर रही है, दो कंपनियां मिल रही हैं, ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा। जस्ट कंपनी इंटरनली कुछ चेंजेस कर रही हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो वो चेंजेस कैसे कैसे होते हैं, उन चेंजेस को कहां कहां से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ता है और उसकी फिर फर्दर ऑन क्या अकाउंटिंग होती है, दैट वी विल सी। नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्थ वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। जब कंपनी लिक्विडेट होती है, यू ऑल नो कि कंपनी इज बॉर्न बाय अ लीगल स्ट्रक्चर एंड इट विल डाई ऑल्सो बाय अ लीगल स्ट्रक्चर ओनली। और आपने कोर्ट पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, इवन अ हाइड्रोजन बॉम्ब कैन नॉट बर्स्ट अ कंपनी। ओके, कोई कंपनी एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है फिजिकल, ये हमारी कंपनी है। ये कंपनी का एड्रेस हो सकता है बट ये कभी कंपनी नहीं हो सकती। कंपनी क्या कोई फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बनी हुई है? यस, कंपनी तो एक वर्चुअल एंटिटी है, कंपनी एक लीगल एंटिटी है, कंपनी के पास स्टेटस है बस एक। तो उसको अगर आपको बंद करना है, लिक्विडेट करना है, वाइंड अप करना है, तो आपको उसको भी लीगली करना पड़ेगा। तो उसको लीगली वाइंड अप करने के लिए बैक ऑफ द टाइम में आपको क्या क्या अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, दैट वी विल सी अंडर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिनको आप लोग क्लोज करेंगे जिससे कंपनी का कोई भी बैलेंस ना बचे, कोई जो भी आपके ऊपर लाइबिलिटीज हैं आप लोग उसको कैसे पे ऑफ करेंगे जिससे आफ्टर लिक्विडेशन कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरीके का केस फाइल ना करे, हर एक चीज हम लोग यहां पर देखेंगे। जैसे आप लोगों ने बचपन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी देखा होगा। ओके, देखा था कि नहीं देखा था, कौन सा हम लोग अकाउंट ओपन करते थे व्हाइल ड्यूरिंग डिसोल्यूशन? रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पर भी हम लोग कुछ ऐसा ही काम करने वाले। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। और शॉर्ट में वी कैन से NBFCs। अब आफ्टर क्वालिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो NBFC में रिक्रूट हो जाते हैं। ओके, NBFC और बैंकिंग में क्या डिफरेंस होता है? बैंक को, इन NBFC को बैंकिंग का बस स्टेटस नहीं मिला होता, और पर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो NBFC भी परफॉर्म करता है जस्ट लाइक अ बैंकिंग। तो NBFC की आपको कैसे अकाउंटिंग करनी है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, दैट वी विल स्टडी अंडर दिस टॉपिक। नेक्स्ट वन वेरी मच सिमिलर टू दिस, दैट इज अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज इटसेल्फ। तो बैंकिंग कंपनी की कैसे अकाउंटिंग होती है, यू ऑल नो, अगर कोई इंडिविजुअल या कंपनी एज एन इन्वेस्टर होगा किसी बैंक में, तो उसके लिए जो इनफ्लोज होंगे वो बैंक के लिए क्या हो जाएंगे, आउटफ्लोज हो जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली जो फॉर्मेट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के वेरी करते हैं किसी भी कंपनी से। तो कंपनी के हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट किसने दिया? यस, अभी हम लोगों ने बनाए थे ना कंपनी फाइनल अकाउंट्स, हमने टॉपिक पढ़ा, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया, बैलेंस शीट बनाई, उसका फॉर्मेट हमको किसने दिया? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 13।
सिमिलरली बैंकिंग कंपनीज के फॉर्मेट हमको कहां से मिलेंगे, एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, तो हमको वहां पर उस एक्ट को भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसी रेशियोज होती हैं जो बैंकिंग कंपनीज को फॉलो करनी पड़ती हैं, आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ी होंगी। कौन कौन सी रेशियोज होती हैं? CRR, LRR, पढ़ा हुआ अपने लोगों ने, यस और नो? जो SLR के अंडर कैटेगराइज की जाती हैं, तो वो क्या होती हैं, कितनी होती हैं, कितने अमाउंट के प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं, वो सब लॉ वाला पार्ट भी हमको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये थ्योरिटिकल कम प्रैक्टिकल टॉपिक आपके पास हो जाता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अमेलगमेशन, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। इस पे बेस्ड एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, AS 14। अमेलगमेशन इज अ सिचुएशन व्हेन टू कंपनीज अमेलगमेट विद ईच अदर, जो दो कंपनीज एक दूसरे में अमेलगमेट होती हैं, या एक कंपनी दूसरे को क्या करती है, टेकन ओवर कर लेती है। आप लोगों ने प्रैक्टिकली बहुत बार देखा कि एक कंपनी ने दूसरे को एक्वायर कर लिया। आजकल तो ये बहुत छोटी सी, बहुत कॉमन सी बात है भाई। जो भी रिच पर्सन होता है, रिचेस्ट पर्सन होता है, वो कोशिश करता है कि जो भी मेरे बिजनेस के कॉम्पिटिटर कंपनीज बन सकती हैं, क्यों ना मैं उसको एक्वायर ही कर लूं। कल को मेरे बिजनेस के रेवेन्यू को उसने कट ही तो करना है, तो why not, अगर मेरे पास कैपेबिलिटी है, मैं उसको एक्वायर कर लूं। अभी तो आजकल तो हम लोग बहुत कॉमन सुनते रहते हैं, इसने ट्विटर को खरीदा, इसने यूट्यूब को खरीदा, इसने व्हाट्सएप को खरीद लिया, जो इतनी बड़ी बड़ी एंटिटीज हैं जिनका रेवेन्यू बिलियंस में जाता है। तो सिमिलरली हमको इंडियन अकाउंटिंग के हिसाब से कैसे कंपनीज का अमेलगमेशन करना रहता है, दैट वी विल स्टडी अंडर दिस टॉपिक। और ये अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बात करूं तो बहुत अच्छे लेवल की अकाउंटिंग में गिना जाता है, बिकॉज अगर आप किसी दो कंपनीज का अमेलगमेशन कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड फी। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है, अगर हम इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करें, कंसोलिडेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। आज के टाइम में जो कंपनीज हैं वो एक ही लीगल स्टेटस के अंडर ऑपरेशन नहीं करती। जैसे जैसे उनके ऑपरेशंस डिफर करते हैं, फंक्शंस डिफर करते हैं, वो उनके लिए कंपनी का भी क्या करती हैं, दूसरा लीगल स्टेटस ले लेती हैं, यस और नो? हाँ जी, क्या रिलायंस कंपनी के पास एक ही कंपनी का स्टेटस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, या बहुत सारी और भी कंपनीज का स्टेटस है? तो वो जो अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ RIL वर्क कर रही होगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंडर वर्क कर रही होगी, वो सब उनकी क्या हो जाएंगी, सब्सिडरी कंपनीज। लेकिन जब उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, तो उनको अपनी RIL के अंदर जितनी भी उनकी सब्सिडरी कंपनीज है जिनपे उनका कंट्रोल है, कब किसी एक होल्डिंग कंपनी को बोला जाता है कि वो किसी कंपनी की होल्डिंग है, उसको भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, कितना पावर होना चाहिए, कितना कंट्रोलिंग होना चाहिए। उसके बाद वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन सब सब्सिडरी कंपनीज को इन फ्रेम करेंगी अपनी मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, दैट इज नोन एज कंसोलिडेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन करना बोलते हैं, जब हमारे पास ग्रुप कंपनीज होती हैं, बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, और होल्डिंग कंपनी उसके अंदर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी कंपनीज के रेवेन्यूज को, इनकम को, प्रॉफिट को वहां पर दिखाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट एंड बेसिकली लास्ट टॉपिक ऑफ एडवांस्ड अकाउंटिंग, दैट इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। However, इसके अंदर दो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। वन इज जो आपने CA लेवल पे नहीं पढ़ा, हालांकि स्कूल लेवल पे जरूर पढ़ा, इसलिए CA तो आपको सब कुछ वापस से पढ़ाएगा। वन इज डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन तो आपने नहीं पढ़ा ना कहीं पे भी, फाउंडेशन में भी आई थिंक डिसोल्यूशन नहीं था, उससे पहले के सारे टॉपिक थे, इसलिए उन लोगों ने डिसोल्यूशन को कहां पे डाल दिया, एडवांस्ड अकाउंटिंग में डाल दिया। और उसके बाद नेक्स्ट इज कन्वर्जन एंड सेल। अगर आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ कंपनी, या फिर आप उसको सेल कर देते हैं सीधा पार्टनरशिप फॉर्म ही, या पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करके कुछ सालों के बाद सेल करते हैं, तो यहां पर आपको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं अंडर पार्टनरशिप अकाउंट, डिसोल्यूशन एंड सेकंड टॉपिक इज कन्वर्जन एंड सेल। तो ये आपके 9 टॉपिक्स हैं जो आपका सिलेबस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फॉर योर एडवांस्ड अकाउंटिंग। ओके जी, और इसके बाद क्या आ जाता है आफ्टर कोर अकाउंटिंग टॉपिक्स, इसके बाद बारी आती है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने ग्रुप वन में पढ़े, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग यहां पर पढ़ेंगे ग्रुप टू में, और उसके बाद जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बचेंगे वो हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे CA फाइनल में, जहां पर हमारे पेपर का नेम क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके जी, अभी आप सबको पता होगा बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं हमारे कोर्स में, आप लोगों ने पढ़ा सुना देखा, यस और नो? तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारा जो अकाउंट्स और एडवांस्ड अकाउंट्स अभी हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, इसको मर्ज किया जाएगा, तो आप खुद ही सोचो जब इसको मर्ज करेंगे तो कितना ज्यादा सिलेबस हो जाएगा,
तो ऑब्वियसली ऐसी उम्मीद है कि बहुत सारे जो आपके टॉपिक्स हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा, बिकॉज इतना सारा कोर्स एट इंटरमीडिएट लेवल नॉट पॉसिबल। जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं लगते इतने इंपॉर्टेंट, उसको कहीं ना कहीं हटा दिया जाएगा। तो उनका उन्होंने नेम क्या रखा है सब्जेक्ट का, अकाउंटिंग और एडवांस्ड अकाउंटिंग। एडवांस्ड अकाउंटिंग तो आप समझ सकते हैं कि जो एडवांस्ड अकाउंटिंग के टॉपिक हैं उनको भी लगता है कि ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक ज्यादा है, और आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको इनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अकाउंटिंग के तो टॉपिक एक बेसिक लेवल के हैं, आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग बीकॉम भी कर रहे हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग वाले टॉपिक्स तो आपके बीकॉम में भी होंगे, मोरले सब टॉपिक आपने बीकॉम में पढ़े, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोग बिल्कुल भी बीकॉम में नहीं पढ़ते, ओके, और अगर पढ़ते भी हैं तो यहाँ पर उसका एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा होता है। चलो जी बात करते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। क्या हम लोगों ने AS1 पढ़ लिया था, AS2 पढ़ लिया था, AS3 पढ़ लिया था, AS4 नहीं पढ़ा था? तो आओ जी सबसे पहले हमको यहां पर पढ़ना है AS4, AS4 रिवाइज्ड। ये किसकी बात करता है, कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स। अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, contingencies and events occurring after the balance sheet date, okay जी। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, क्या 31 मार्च जो हमारी बेसिकली क्लोजिंग डेट होती है फाइनेंशियल ईयर की, क्या उसी डेट पे बैलेंस शीट प्रैक्टिकली बन जाती है? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना पेन निकाल के साइन करने के लिए, स्टैंप करने के लिए तैयार हो जाता है, और अकाउंटेंट भी क्या उसी डेट तक सब कुछ बना चुका होता है? हाँ जी मुझे बताइए, प्रैक्टिकली सोचिए, 31 मार्च तक तो सच्चाई ये है कि उस एंटिटी की जो स्टेटमेंट है, जो पासबुक है, वो भी अपडेट नहीं हुई होगी, यस और नो? क्या इतनी जल्दी लोग अपडेशन रखते हैं हर एक चीज का? कभी भी नहीं रखते, तो इट टेक्स टाइम। और क्या हमें एज पर लॉ ऐसा बोला हुआ है कि आपको 31 मार्च को ही बैलेंस शीट बना के उसको सबमिट करनी है टू वेरियस अथॉरिटीज? नहीं बोला हुआ, तो इट टेक्स टाइम। बेसिकली 30 सितंबर तक का हमारे पास टाइम होता है, तो मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वी हैव 6 मंथ्स, क्योंकि आपको उसका ऑडिट भी करना पड़ेगा, हर एक चीज करनी पड़ेगी। तो अगर आपको कुछ पता चलता है आफ्टर 31 मार्च बैलेंस शीट के बाद कि कुछ बड़ा धमाका हुआ है, धमाका नॉट इन द सेंस ऑफ फिजिकल धमाका, बट कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ बड़ी चीज हुई है पॉजिटिव और नेगेटिव, और अब आपको 31 मार्च तक के फाइनेंशियल्स के ऊपर साइन करने हैं, अपना ओपिनियन देना है, ओके, तो क्या आप उन 6 महीने के बीच में जो भी घटनाएं घटी हैं क्या आप उनको इग्नोर कर देंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि जो मेरा इन्वेस्टर है या मेरा प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है या जो इतने सारे स्टेक होल्डर हैं उनको पता चले कि इस एंटिटी में 31 मार्च तक तो ये सब कुछ है लेकिन इसके बाद बहुत कुछ हो चुका है और अभी मैं साइन कर रहा हूं, मेरे को उससे पहले पता हुआ है? बताओ जी आप क्या करना चाहेंगे, क्या उसको किसी भी सेंस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपोर्ट करना चाहेंगे या आप उसको इग्नोर कर देंगे? बताओ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, हम लोगों ने AS1 में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, ओके, स्टेक होल्डर के साथ हमको सब चीज़ें उसको दिखानी है, प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, तो क्या हम उसको इग्नोर कर देंगे? आंसर इज नो। तो क्या क्या चीज़ें जो आफ्टर द बैलेंस शीट होती हैं, कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स, वो आपको शो करना होता है, और क्या क्या चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं, हर एक चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे अंडर AS4 रिवाइज, ये उसी के लिए बना है। तो बहुत ही क्रिटिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसकी नीड प्रैक्टिकली बहुत अराइज होती है, दैट्स वाई यहाँ पर एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया। नेक्स्ट AS की हम लोग बात करते हैं, AS नंबर 5, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड prior period items and changes in accounting policies। net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policies, ये accounting standard हमें क्या क्या काम करने के लिए बोलता है, आओ जी देखते हैं। ये बोलता है जब आप किसी भी पर्टिकुलरली एक ईयर के रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, अकाउंटिंग में रिजल्ट्स का मतलब होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, तो हो सकता है उन प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने की वजह कुछ प्रायर पीरियड आइटम्स हो, प्रायर का मतलब होता है पहले की,
कुछ पहले के पीरियड का आपको इनकम अभी मिल गई, मे बी आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दी, कुछ खर्चा आपने अब रिकॉर्ड कर दिया, और या फिर आपके प्रॉफिट इन्फ्लेट या डिफ्लेट हुए हैं ड्यू टू चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। होता ना ऐसा, हमने बस SLM से WDV ऑप्ट किया डेप्रिसिएशन, और जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो प्रॉफिट है वो चेंज हो जाएगा, या और भी कोई हमने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया, तो वो क्या आपको शो करना चाहिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिससे इन्वेस्टर को पता चले, या बस आप प्रॉफिट को अपने हिसाब से पॉलिसी को चेंज करके कैलकुलेट कर देंगे विदाउट नोइंग देम टू इन्वेस्टर कि क्यों हमारा प्रॉफिट एकदम से इतना बढ़ गया या कम हुआ, तो हमको बताना पड़ेगा। तो वो सब चीजों को कैसे डिस्क्लोज किया जाता है, दैट वी विल स्टडी अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7th। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7th डील्स अबाउट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क होते हैं उससे रिलेटेड कब आपको कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की पावर है, कब आप कह सकते हैं इतना रेवेन्यू आपका अर्न हो गया एज अ कॉन्ट्रैक्टर, कब आप कैसे आप बिलिंग करेंगे ना भाई हमको पैसा चाहिए। आपने इससे रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ा होगा कॉस्टिंग में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्या नेम था उसका, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो वो सारी की सारी नॉलेज आपको यहाँ पर यूज आने वाली है। ओके, वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कितना कितना रेवेन्यू मांग सकते हैं, कितना क्लेम कर सकते हैं, जो नहीं मिलता उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एवरीथिंग वी विल स्टडी अंडर दिस। डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होता है, हर एक चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये हमको बताता है कि हमारी टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज क्या होनी चाहिए, हम कब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। शॉर्ट में तो हम सबको पता है, जब हम गुड्स को बेच दें या हमारा राइट एस्टेब्लिश हो जाए टू रिसीव दैट रेवेन्यू, वेदर रेवेन्यू इज रिसीव्ड और नॉट, बट अगर राइट एस्टेब्लिश हो जाए लीगल राइट, तो हम रेवेन्यू को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज होते हैं जब हमारे व्यूज कुछ चेंज होते हैं, क्योंकि रेवेन्यू मिलना किसी एक पर्टिकुलरली बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो सकता, वो हर बिजनेस में आपको किसी ना किसी फॉर्म में मिलता है। इवन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी हमको रेवेन्यू मिलता है। हम अपने बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ FDR, या सेविंग में भी पैसे जमा कराते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी हमारा रेवेन्यू है। तो इंटरेस्ट को हम कब रिकॉग्नाइज करें। ओके जी, आज मैंने एक FD कराई से 2022 में, और उसकी जो रियलाइजेशन है वो 2025 में मेरे को मिलेगी। आज मैंने 1 लाख रुपए जमा कराए और मेरे को से 2025 में मिलेगा 130,000 समथिंग। तो मुझे बताओ, वो जो 30,000 रुपए की इनकम है, जो मेरी 30,000 रुपए की इनकम है 1 लाख जमा करा के 130,000 रुपए, उस 30,000 को मैं अपनी बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा, क्योंकि हमारी FD में हमेशा सिर्फ मैच्योरिटी अमाउंट ही होता है, क्या वहां पर ईयर बाय ईयर अमाउंट होता है। कभी आप लोगों ने FD का डॉक्यूमेंट देखा हो, आजकल तो EFDs होती है, हम लोग मोबाइल्स में देख सकते हैं, पहले तो प्रॉपर उसका प्रिंटआउट आज भी मिलता है, अगर आपको चाहिए हो प्रॉपर प्रिंटआउट होता है, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, आपके पेरेंट्स ने जरूर करवाई होगी, तो यू विल गेट टू नो उसमें एक होता है इनिशियल अमाउंट जो आपने डिपॉजिट कराया है, और फिर उसमें क्या होता है मैच्योरिटी अमाउंट होता है, जो ऑब्वियसली बिल्कुल ऑड फिगर होती है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि 1 लाख का वो 1,30,000 होगा, वो कुछ ऑड सी फिगर होगी। तो वो जो इंक्रीमेंट आया मेरे प्रिंसिपल में और मेरे ड्यू अमाउंट में, उसको मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूं अपनी बुक्स में। हाँ जी, क्या इंक्रीमेंटल टोटल अमाउंट मैं फर्स्ट ईयर में ले लूं, सेकेंड ईयर में ले लूं, थर्ड ईयर में ले लूं, मैं क्या करूं? यस, डिवाइड बाय 3 ईयर्स कर दूं। अच्छा जी, डिवाइड बाय 3 ईयर्स करूं, तो ऐसा नहीं होगा क्या कि पहले साल में जो इंटरेस्ट है वो कम होगा, अगले साल में थोड़ा ज्यादा होगा, फिर ज्यादा होगा, या तीनों सालों में इक्वल होगा? अलग अलग होगा या सेम होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अलग अलग होगा। तो जब वो अलग अलग होगा और मुझे तो नहीं पता कि कितना कितना डिफरेंस होगा, तो हाउ विल आई कैलकुलेट, जब मेरे पास सिर्फ इनिशियल और मेरे पास सिर्फ फाइनल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है मेरे पास, यस, प्रिंसिपल अमाउंट से फाइनल अमाउंट का डिफरेंस लेंगे, वो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स आ जाएगा। अब वो टोटल इंटरेस्ट 3 सालों का से 7% पे कैपिटलाइज्ड हुआ है, तो अब मेरे को उसको पर ईयर का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, बिकॉज एक्चुअल में मेरा वही रेवेन्यू है। ओके, और अगर हम लोग कभी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं, तो कई लोग बड़ी रॉन्ग रिटर्न फाइल करते हैं, उनको लगता है जिस साल में उनकी FD मैच्योर हो रही है सारा इंटरेस्ट की इनकम उनको उसी साल में लेनी है, दैट इज रॉन्ग, तो वो उसी साल में ले लेते हैं,
जो गलत है, तो आपको उसको इस हिसाब से क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। और भी बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें जहां से हमको रेवेन्यू मिलता है, जैसे कि मुझे डिविडेंड मिल गया या मुझे रॉयल्टी मिल गई, तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं, उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, वी विल डिस्कस अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9। अभी तो मैं आपको एक एक चीज का जस्ट 1-2 लाइनर ओवरव्यू दे रहा हूं, जिससे कि आपको पूरे सिलेबस के बारे में पता चल जाए कि आपको यहां पर पढ़ना क्या क्या। आओ जी आगे चलते हैं। AS 10 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अंडर ग्रुप 1। नेक्स्ट इज AS 14 रिवाइज, जिसमें हमको एस सच कुछ भी नहीं पढ़ना होगा बिकॉज इट इज रिलेटेड टू वन ऑफ अवर टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन। तो हमको कुछ यहां पर एस सच एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, ऐसी फर्म्स होती हैं जिनके अलग अलग क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं। अलग अलग सेगमेंट होते हैं कि नहीं होते, वो प्रोडक्ट बेस्ड हो सकते हैं, फंक्शन बेस्ड हो सकते हैं, तो वो अपने सेगमेंट को बार बार मॉनिटर करते हैं कि उनके सेगमेंट में कितना रेवेन्यू में चेंज आया, कितना एक्सपेंसिस में चेंज आया, कितना प्रॉफिट्स में चेंज आया। और जब आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट से मीटिंग होती है अकाउंटेंट्स की बाकी लोगों की, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक मिनट इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे, वो पूरे 365 डेज की ट्रांजेक्शन नहीं रीड कर सकते। तो आपको उनको थ्रू सम पाई चार्ट, थ्रू सम बार ग्राफ, कुछ PPTs के थ्रू ऐसी ऐसी चीजें दिखानी हैं जो आपको पता चले कि यही मेन सेगमेंट है जिसमें कुछ बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट या कुछ ऐसा रिजल्ट आया जिसको बंद किया जा सकता है, जिसको कट करने का टाइम आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट। कौन कौन से सेगमेंट टॉप मैनेजमेंट को आपने रिपोर्ट करने हैं कि इसमें मेजर चेंजेस हैं, और अकॉर्डिंगली फिर डिसीजन मेकिंग वहां पर होती है। तो दैट वी विल स्टडी अंडर सेगमेंट रिपोर्टिंग, कि हम सब सेगमेंट्स को छांट के उसमें से उन सेगमेंट्स को कैटेगराइज करें जिसपे कुछ आपको रिपोर्टिंग आगे देनी है। नेक्स्ट इज AS 18 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस आप लोगों ने लॉ में पढ़ा, यस और नो? पढ़ा हुआ है रिलेटेड पार्टी क्या होती है, या आई थिंक वो CA फाइनल में है वहां तक के सेक्शंस। एनीवेज, हमारे हर तरह के लॉ, चाहे वो कंपनी लॉ या और भी कोई लॉ हो, वो कहते हैं कि आपकी जो ट्रांजेक्शंस हैं वो कभी भी बायस्ड नहीं होनी चाहिए। ओके? वो कभी भी बायस्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब कि मैं मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ओके? उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो वो जो रॉ मटेरियल मुझे चाहिए वो मार्केट में इजीली मिलता है 120 रुपीज पर केजी के हिसाब से, मार्केट में इजीली मिलता है 120 रुपीज पर केजी के हिसाब से। और मैं अपनी कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर हूं जो प्रोडक्शन वगैरह का ध्यान देता है। ओके? प्रोडक्शन प्रोक्यूरमेंट मैनेजर हूं। तो मैंने क्या करा, ये मार्केट से ना खरीद के मैंने अपने कजन ब्रदर से खरीद लिया, वो भी ये रॉ मटेरियल का बिजनेस करता है, और उसने मेरे को ये जो मटेरियल दिया उसने मेरे को दिया 150 रुपीज पर केजी के हिसाब से। आप मुझे बताओ, क्या बिजनेस के लिए मैंने जो टेंडर अपने कजन वाला पास कराया, इज इट गुड? हाँ जी, क्या है, अच्छा रहा हमारे बिजनेस के लिए? आंसर इज नो। तो ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जिसका इंपैक्ट किसी भी आपकी नॉन रिलेटेड पार्टी से होके आ रहा है और वो आपके बिजनेस को किसी भी वे में इंपैक्ट कर रहा है, दैट यू हैव टू रिपोर्ट अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। कब कोई पर्सन रिलेटेड पार्टी होता है हम यहां पर वो पढ़ेंगे, और क्या जो उसने ट्रांजेक्शन किया है वो रिपोर्ट होनी चाहिए वो भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ओके जी, कोई पर्सन रिलेटेड पार्टी हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई कंपनी भी हो सकती है। मैंने एक कंपनी से लोन लिया एट अ वेरी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और पता चलता है जिससे मैंने वो लोन लिया उसका जो डायरेक्टर है मेरा कोई नॉन पर्सन था, और वैसे जो मार्केट रेट था लोन का वो काफी कम था, तो मैंने उससे महंगा लोन क्यों लिया? इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी भी वहां पर कुछ, मैं भी मिला हुआ था। तो वो हर एक चीज हमको यहां पर क्या करनी पड़ती है, रिपोर्ट करनी पड़ती है। ओके जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, प्रैक्टिकली यहीं से जो फ्रॉड वगैरह हैं वो पकड़े जाते हैं। ओके? आप लोगों को पता होगा आज के टाइम पे एक तरह की और अकाउंटिंग बहुत इमर्ज कर रही है, और उसका कोर्स भी हमारा इंस्टीट्यूट कराता है, विच इज नोन एज FAFD। FAFD क्या होता है? फॉरेंसिक ऑडिट
एंड फ्रॉड डिटेक्शन, फॉरेंसिक ऑडिट। अभी तक तो हम लोगों ने ये सब वर्ड सुने थे, कोई क्राइम जब हो जाता था उससे रिलेटेड। अब हमारी अकाउंटिंग ऑडिटिंग में भी उसका भी फॉरेंसिक चेकिंग होती है। फॉरेंसिक का मतलब बहुत डिटेल्ड में, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू कहीं पे भी तो कोई ऐसा हमको चीज पता नहीं चल रही जिससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि यहां पर किसी और थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है और उस बेसिस पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही है और फ्रॉड को यहां पर डिटेक्ट किया जाता है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक सिखाई जाती हैं, ये आप आफ्टर क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो AS 18 में भी कुछ कुछ चीजें जो हमको ऐसे हेल्प करती हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहां पर कुछ रिलेटेड पार्टी का चक्कर है जिसकी वजह से हमारे एक्सपेंस बढ़ गए या हमारे रेवेन्यू जितने हो सकते थे वो नहीं हुए जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में डिक्लाइन आ रहा है। तो दैट वी हैव टू चेक अंडर AS 18। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें, दैट इज AS 19, लीज अकाउंटिंग। जब हम कोई भी एसेट लीज पे लेते हैं, नॉट ऑन रेंट। लीज आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा ईयर्स के लिए होती है, 50 ईयर्स लीज, 70 ईयर्स लीज, 99 ईयर्स लीज। तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है? मेरे को लीज लेने पे क्या देना पड़ेगा? लीज रेंट देना पड़ेगा। ओके, मैं एनुअली मंथली लीज रेंट दूंगा और वो मैं लीज रेंट देता चला जाऊंगा जब तक के लिए लीज है। तो मुझे आज कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आफ्टर सो मैनी ईयर्स तक मैं कितना एस्टिमेटेड अमाउंट दे चुका हूंगा और उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट पे कैसे होगी। ओके जी, अब तो आप साथ साथ FMB पढ़ रहे हैं तो यू विल गेट टू नो, जब तक हम यहां पर आएंगे वो आप सारे प्रिंसिपल्स पढ़ चुके होंगे। ऑल दो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है प्रेजेंट वैल्यू वगैरह कैसे निकालते हैं, है कि नहीं है? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो मैंने ही आपको पढ़ाया था। ओके, कैसे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने की? कोई अगर हमें पैसा 4 साल के बाद 1 लाख रुपए मिल रहा है तो वो 1 लाख रुपए नहीं है, वो एक्चुअल में कितना है वो हमको कैलकुलेट करना आता है। तो सिमिलरली ऑल दोस थिंग्स वी विल स्टडी अंडर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, लीज अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं AS 20, अर्निंग पर शेयर, EPS। अब ये मैंडेटरी, अगर कोई भी एंटिटी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट या बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रिपेयर करती है उसको EPS की भी वैल्यू देनी पड़ती है। आपका एक शेयर कितना अर्न कर रहा है आपको उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखा जाए तो बहुत सिंपल सी बात है, मेरी जितनी भी अर्निंग होगी, मेरी जितनी भी अर्निंग होगी पूरे साल की, वो किसकी है? एक कंपनी की अर्निंग बिलोंग्स टू हूम? शेयर होल्डर्स को। अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं जितने भी शेयर होल्डर हैं तो वही मेरी अर्निंग पर शेयर हो जाएगी ना। अगर मान लेते हैं हम सब एक कंपनी चला रहे हैं और हम सब लोग एक ही लेवल के मेंबर्स हैं और हम लोगों ने 1 साल में पैसे कमाए 1 करोड़ रुपए। ओके, और हम लोग जितने भी मेंबर्स हैं अगर मैं उस 1 करोड़ को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ मेंबर्स से तो क्या आ जाएगा? अर्निंग पर मेंबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सिमिलरली मुझे यहां पर क्या निकालना है? मुझे यहां पर निकालना है अर्निंग पर शेयर। हाउएवर ये बहुत इजी नहीं होता बिकॉज जो हमें न्यूमरेटर में अर्निंग चाहिए होती है वो हमको बहुत चीजें ध्यान में रख के कैलकुलेट करनी पड़ती है। खेल तो बस दो ही चीजों का, एक न्यूमरेटर का जिसमें अर्निंग आएगी एंड डिनोमिनेटर जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। क्या कुछ कुछ नंबर ऑफ शेयर इसमें एक्सक्लूड भी किए जा सकते हैं? हम लोग वो पढ़ेंगे। ओके, आप लोगों ने पढ़ा बोनस शेयर क्या होते हैं, राइट शेयर्स क्या होते हैं, उन सब चीजों को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इसको हम लोग शॉर्ट में कभी कभी बोलते हैं डेफर्ड टैक्स, जो आपने नेम पक्का पक्का सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना? लिख लो आप लोग यहां पर डेफर्ड टैक्स। टैक्स को टाल देना, डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना, एलिमिनेट नहीं करना, बस डिले करना। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमें अलग डायरेक्शन में लेके जाते हैं और जो हमारी अकाउंटिंग है वो हमको अलग डायरेक्शन में लेके जाती है। ऑब्वियसली पेमेंट तो टैक्स की एज पर टैक्स प्रोविजंस होंगी, तो कभी कभी ऐसे होगा कि आपके टैक्स और अकाउंटिंग के प्रोविजंस आपस में क्या कर रहे हैं, मिसमैच कर रहे हैं। आप लोगों ने अब तो सब लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? पढ़ लिया, वेरी वेरी गुड। तो अब आपको यहां पर बहुत मजा आने वाला है। तो कुछ सेक्शन इनकम टैक्स के बोलते हैं कि आपको डिडक्शन मिलेगी ऑन पेमेंट बेसिस, बोलते हैं कि नहीं बोलते? PGPP में बोला था किसी सेक्शन ने? लेकिन अकाउंटिंग ने तो कभी ऐसे नहीं बोला। क्या अकाउंटिंग ने ऐसा बोला? क्या अकाउंटिंग ने आपको आज तक ऐसा बोला कि जो P&L अकाउंट है उसमें आप किसी भी चीज को डेबिट तभी करो अगर पेमेंट हुई है? ऐसा बोला क्या कभी? कभी भी नहीं बोला। वो तो कहते हैं कि अगर आपकी ड्यूरिंग द ईयर अकरेंस हो रही है, वो ड्यू हो रहा है,
तो आप इसको डेबिट करो ही करो, वो कभी आपको डेबिट करने से मना करता ही नहीं है अगर पेमेंट नहीं हुई। क्या हम सैलरी आउटस्टैंडिंग को यहां पर नहीं लेते? हम तो लेते हैं, लेकिन इनकम टैक्स कुछ अलग अलग बातें कर रहा है। वो कह रहा है डिडक्शन दूंगा अगर पेमेंट ही करोगे, तभी डिडक्शन दूंगा अगर पेमेंट करोगे, और कुछ कुछ चीजों की तो वो डिडक्शन भी नहीं देता। हम तो यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लिख लेते हैं। अब तो आप अच्छे से समझते होंगे कि डेबिट साइड में किसी भी चीज को लिखना मतलब डिडक्शन ले लेना, यस और नो? क्योंकि ये हमारे नेट प्रॉफिट को क्या कर देता है, कम कर देता है, वो हमारे नेट प्रॉफिट को कम कर देता है। तो यही बहुत सारे डिफरेंसेस की वजह से, जो कि कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है, बल्कि कौन सा डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस है। आज अगर मैंने अकरेंस के बेसिस पे अकाउंटिंग में डिडक्शन मांगी और इनकम टैक्स वालों ने बोल दिया नहीं भाई नहीं, आपने तो पेमेंट ही नहीं करी, हम आपको डिडक्शन नहीं दे सकते, तो अगर वो मुझे आज डिडक्शन नहीं देंगे तो आज मैं टैक्स कैसा पे करूंगा, ज्यादा कि कम? आज मैं ज्यादा पे करूंगा, लेकिन मुझे फ्यूचर में क्या दिख रहा है, मुझे फ्यूचर में कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जब मुझे फ्यूचर में कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो हमारी अकाउंटिंग नॉलेज यही बोलती है अगर फ्यूचर में हमें किसी भी तरह के बेनिफिट दिख रहे होते हैं तो आज हम उस चीज को क्या बोलते हैं, एसेट और लाइबिलिटी, एसेट। तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट। आज किसी चीज के लिए हमने टैक्स ज्यादा दिया हुआ है, और ऑन द अदर साइड अगर इसका ऑपोजिट होगा तो वो क्या बन जाएगा, अगर मुझे कम आज टैक्स देना पड़ा ड्यू टू इनकम टैक्स प्रोविजन और कल को जरूर देना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए बन जाएगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो दैट वी विल स्टडी अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 22 कि कैसे आप लोग डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। आप लोगों ने ग्रुप वन में भी कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये देखे होंगे वर्ड्स डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लाइबिलिटी, और जब आया होगा तो पक्का पक्का मैंने भी आपको समझाया होगा जब भी किसी भी क्लास में ये टर्म्स आई हो। आओ जी आगे चलते हैं। बच्चे सोच रहे सर इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्रुप वन में तो नहीं थे, अभी इसके भी बारे में बात करेंगे कि क्यों है इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। AS 24 टॉक्स अबाउट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ये हमको ऐसे ऐसे पैरामीटर्स बताता है जो हमको हेल्प करते हैं डिसाइड करने के लिए कि अब टाइम आ चुका है किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को क्लोज डाउन करने का, डिसकंटिन्यू करने का, या फिर अगर आप उस ऑपरेशन में बहुत मेजर काम नहीं कर रहे हो तो टाइम आ चुका है डिस्क्लोज करने का कि अभी हमारे लिए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। क्या कभी किसी ऑपरेशन में सेल बस थोड़ी सी कम आना हम उसको डिसकंटिन्यूइंग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो कब हम किसी ऑपरेशन को डिसकंटिन्यूइंग रिमार्क देंगे, अपने डिस्क्लोजर में डिसकंटिन्यूइंग लिखेंगे, दैट वी विल स्टडी अंडर AS 24। बहुत ही छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट इज AS 26, जिसके बारे में आप छोटा मोटा कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। क्या नेम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का? हाँ जी AS 26 इसके बारे में बात करता है, इनटेंजिबल एसेट्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इनटेंजिबल एसेट्स चाहे वो गुडविल हो, चाहे वो पेटेंट हो, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, चाहे वो कॉपीराइट हो, किसी भी तरीके की कोई इनटेंजिबल आपकी एंटिटी प्रोक्यूर करती है, अपने पास रखती है, तो उसको किस वैल्यू पे दिखाना है, उसका रिवैल्यूएशन कैसे होगा, अगर उसकी मार्केट में वैल्यू कम होगी तो आपको उसको कैसे रिक्लासिफिकेशन करना है, एवरीथिंग अबाउट इंटेंजिबल एसेट वी विल स्टडी अंडर AS 26 एंड लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज AS 29। अब जो बीच के मिसिंग है ऑब्वियसली यू विल स्टडी इन योर CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। AS 29 टॉक्स अबाउट प्रोविजंस। जो भी हम लोग अलग अलग प्रोविजंस क्रिएट करते हैं, कब क्रिएट करना जरूरी है, कब वो टाइम हम मान सकते हैं कि प्रोविजन क्रिएशन का टाइम आ चुका है, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, कब हम उसको प्रोविजन ना मान के कंटिंजेंट लाइबिलिटीज मानेंगे और फुट नोट पे दिखाएंगे, एंड कंटिंजेंट एसेट्स। ओके दैट्स इट। टोटल अगर हम लोग देखें कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको यहां पर पढ़ने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें से एक तो चलो टॉपिक रिलेटेड है बट स्टिल नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो 13 होगा। तो 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड 9 आपके कोर अकाउंटिंग के टॉपिक। दिस इज योर सिलेबस फॉर CA इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग पेपर नंबर 5। ओके जी, तो पैटर्न हमारा वही रहेगा जैसे हम लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी। पहले हम लोग अकाउंटिंग के टॉपिक्स पढ़ेंगे, बिकॉज अकाउंटिंग के टॉपिक्स पढ़ने के बाद हम बहुत सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में करना सीख जाते हैं और फिर हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आएंगे।
और हम लोगों ने देखा था इंटर के टाइम पे, अकाउंटिंग के टाइम पे, कि हमारा जो ब्लू प्रिंट होता है एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, और क्योंकि यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़्यादा हैं, क्या यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगी? आओ जी हम लोग देखते हैं फटाफट से, सब लोग लिखेंगे एग्जाम पैटर्न फॉर CA इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कैसे रहता है? तो अगेन इट विल बी अ कंपलसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन वन विल बी अ कंपलसरी क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। इसमें से कुछ भी छोड़ना, कोई भी पार्ट छोड़ना, मतलब आप अपने मार्क्स को यहां पर छोड़ रहे हो। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पे बेस्ड होता है? तो अगेन यहां पर भी इसके चार पार्ट्स होंगे और वो सब AS बेस्ड होंगे, AS बेस्ड फोर पार्ट्स। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से चार तो यहां पर कवर हो गए। ऑब्वियसली वो रिपीट नहीं होगा, अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से पूछा जाएगा, तो चार तो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहां पर ही कवर हो जाएंगे, कैसे भी आपसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर फाइव, ये सब क्वेश्चंस कैसे रहते हैं? 20 मार्क्स ईच, सारे क्वेश्चंस 20 मार्क्स के रहेंगे, 2, 3, 4 एंड 5। जनरली जो क्वेश्चन नंबर टू है वो पूरा इंडिपेंडेंट होता है, अकेला क्वेश्चन ही 20 मार्क्स का, और बाकी सब में ए पार्ट बी पार्ट 10 मार्क्स ईच, 12, 8, 15, 5, वो कैसे भी कॉम्बिनेशन उसका बन सकता है, 13, 7 का नहीं होता, 16, 4 वो कैसे भी बन सकता है। ओके, तो ए पार्ट बी पार्ट करके बाकी क्वेश्चंस के आपको पार्ट्स दिए जाएंगे, फाइन, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये किस फॉर्मेट का होता है भाई? क्या यहां पर भी कोई चॉइस होती है? सो यू हैव टू आंसर एनी फोर पार्ट्स आउट ऑफ फाइव पार्ट्स, कोई पांच पार्ट्स में से आपको कोई भी चार पार्ट यहां पर क्या करने हैं, सॉल्व करने। ओके, और यहां पर जो पार्ट्स हैं ये किस फॉर्मेट में होंगे, क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड होंगे या फिर एक कोर अकाउंटिंग के होंगे, भाई कैसे होंगे? बताओ। यहां पर अभी जो मैं लेटेस्ट वाला पेपर बोलूं जो अभी अभी हुआ है, और ऐसे ही जनरली रहता है, वैसे एज पर इंस्टीट्यूट लॉन्ग टर्म पैटर्न 2 और 3 पार्ट्स हो सकते हैं फ्रॉम योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और सिमिलरली अगेन 2 और 3 पार्ट्स फ्रॉम अकाउंटिंग टॉपिक्स। अगर 2 पार्ट्स आएंगे AS में से तो 3 पार्ट्स आएंगे अकाउंटिंग के टॉपिक्स में से, और अगर 3 पार्ट्स आ गए AS में से तो 2 पार्ट्स आएंगे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए उसमें 2 पार्ट ही आए थे AS में से और 3 पार्ट्स आए थे आपके कोर अकाउंटिंग के टॉपिक्स में से। तो ये आपका बेसिकली ब्लू प्रिंट रहने वाला है अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो आप समझ सकते हैं चार तो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे, और फिर 2 या 3, हम चलो 3 मान लेते हैं, तो 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कवर हो सकते हैं, मतलब बेसिकली 6 और 7 आउट ऑफ दीज 13। तो लगभग आधे आधे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे और आधे नहीं आएंगे। जबकि कोर अकाउंटिंग की बात करें तो एवरी टॉपिक कैन बी टेस्टेड इजीली, हर टॉपिक के लिए आपके पास जगह है, तो वो तो हर एक टॉपिक पूछा जाएगा, जितने भी आपके 9 टॉपिक्स हैं ऊपर नीचे करके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है और बाकी पूरा पेपर भी आपका अकाउंटिंग से भरा पड़ा। ओके जी, कर लिया भाई सब लोगों ने नोट डाउन, यस और नो? तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी लॉजिकल टॉपिक, दैट इज ESOP। तो पुट द हेडिंग एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। आज मैं कुछ भी प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कराने वाला, जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक क्या है और ये आपके लिए कितना प्रैक्टिकल रेलेवेंट है। तो यहां से एक क्वेश्चन पक्का पक्का आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। हम टॉपिक को करने के बाद लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी यहां पर टच करेंगे। तो एज द नेम सजेस्ट, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर स्टॉक,
ओ फॉर ऑप्शंस एंड पी फॉर प्लान। तो सबसे पहले तो स्टेक होल्डर जिसके लिए प्लान बना हुआ है वो कौन है, वो एम्प्लॉई है, वो कौन है, वो एम्प्लॉई है। बट प्रैक्टिकली एम्प्लॉई कौन सा होता है, ये थोड़ा सा सीनियर एम्प्लॉई होता है, ये एम्प्लॉई सीनियर लेवल वाला होता है, जूनियर लेवल वालों को ईएसओपी के ऑप्शंस नहीं मिलते। स्टॉक, स्टॉक का मतलब आपको पता है, स्टॉक का मतलब क्या होता है, शेयर्स और सिक्योरिटीज। ऑप्शन का मतलब, ऑप्शन का मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी टू अवेल, ये आपके ऊपर कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, इट इज जस्ट अ ऑप्शन, आप चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो आप इसको छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, डिक्लाइन कर सकते हो। एंड प्लान का मतलब यहां पर एक स्कीम आपको दी जाती है जो अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से दे सकती है। ओके जी, फाइन। तो आफ्टर क्वालिफाइंग सीए, आफ्टर क्वालिफाइंग सीए जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे जॉब करने, तो ऑब्वियसली एज कंपेयर टू अदर पर्सन्स, अदर प्रोफेशंस, आपकी जो ग्रोथ है थोड़ी सी फास्टर होती है। और पता चलेगा आफ्टर 8-10 ईयर्स आप सीनियर लेवल पे पहुंच चुके हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बाद जो आपकी सैलरीज होती है ना, स्टार्टिंग में जो आप देखेंगे फटाफट से एक साल काम किया किसी कंपनी में, 2 साल काम किया, स्विच किया, आपको 25-30-40% हाइक मिल गया, आजकल तो 50-50% हाइक मिल जाता है इजीली। ओके, फिर आपने वहां पर 2 साल काम किया, कहीं और जंप कर लिया, ऐसे आपने 10 साल में 5-6 ऑर्गेनाइजेशन बदल ली, तो उसके बाद क्या होता है, जो सैलरी का एक्सपेंस होता है ना कंपनी के लिए, वो अनबियरेबल हो जाता है, वो क्या हो जाता है, अनबियरेबल हो जाता है, वो कॉस्ट करना, वो एक्सपेंस अपने ऊपर बियर करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या आप उसको मान लेंगे कि क्योंकि आपका एक्सपेंस उनके लिए अनबियरेबल है, तो आप भी मान जाएंगे कि ठीक है भाई हमारी सैलरी मत बढ़ाओ, हम एक ही सैचुरेशन पॉइंट पे रुके रहेंगे और उसी लेवल पे हम अपनी पूरी लाइफ बाकी टाइम काम करते रहेंगे। इज इट पॉसिबल? हर पर्सन को ग्रोथ चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी लेवल पे उसको ग्रोथ चाहिए, चाहे कोई एनजीओ क्यों ना चला रहा हो, उसको एनजीओ में भी ग्रोथ चाहिए, तो सिमिलरली आपको भी ग्रोथ चाहिए। तो क्योंकि सैलरी मॉनिटरी लेवल पे तो आपका ग्रोथ का जो प्रोस्पेक्ट है वो रुक जाता है, वो स्टिल हो जाता है, आप एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाते हैं, बियॉन्ड दैट इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर वो होगा भी तो बहुत स्लो होगा, आपको 2-5% हाइक मिल भी जाएगी तो आपको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। और आप उस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि आप बहुत सीनियर हो चुके होगे, आपका बहुत बड़ा रोल होगा मे बी इन डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मैटर्स, तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको छोड़ना नहीं चाहेगी, वो भी चाहेंगे कि अब ये पूरी लाइफ जितनी भी टाइम काम करना चाहते हैं हमारे साथ ही जुड़े रहें, अब इनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन के छोटी छोटी चीज़ें भी पता हैं, तो इनको यहाँ से निकालना बड़ा हमारी कंपनी के लिए खतरनाक हो सकता है, बड़ा हैजार्डस हो सकता है। और किसी दूसरी कंपनी में गए तो हमारे जितने भी लूप होल्स हैं, क्योंकि किसी भी पर्सन को टॉप लेवल में तो सब कुछ पता होता है, वो हमारे अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ करके भी आपकी कंपनी आपको रिटेन करने की कोशिश करेगी। ओके, आप कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ना, चाहे अभी आप इतने सीनियर लेवल पे नहीं भी हैं, अगर आप अपने पेपर्स डाल देंगे, प्रैक्टिकली उसको पेपर्स डालना बोलते हैं जो उनके वहां पर लैंग्वेज है, ओके, उसका मतलब होता है रेजिग्नेशन डाल देना, तो वो आपको हमेशा कॉल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप रिटेन हो जाओ। और वहां पर तो वो आपको सैलरी का ऑफर बढ़ा के दे सकते हैं अगर आप इतने सीनियर लेवल पे नहीं हो, बट इस लेवल पे तो सैलरी आपकी एक सैचुरेशन पॉइंट पे है, तो यहां पर वो आपको क्या ऑफर करते हैं, यहां पर वो आपको आपको एक बेट देते हैं। बेट का मतलब समझते हो क्या होता है, बेट का मतलब लालच देते हैं, आपको लालच देते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल और रुको, मतलब ऐसा लालच दिया कि आपको और रुकने के लिए उन्होंने बोला, 3 साल और अगर आप रुकते हो तो हम आपको एक बहुत अच्छा प्लान देते हैं, और उस प्लान का नाम होता है ESOP, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। हम उनको कहते हैं अब आपको एम्प्लॉई थोड़ी रहे, अब तो आप हमारी तरह पार्टनर हो गए हो, अब तो हम आपको प्रॉफिट मेकिंग में हिस्सेदारी देना चाहते हैं, अब तो ये कंपनी ही आपकी है, अब ये कंपनी हमारी नहीं रही, इतने सालों से आपने काम किया, पॉलिसी आप बनाते हो वो उसी टाइम इंप्लीमेंट की जाती है, तो जब आपके हिसाब से हमारी कंपनी चल रही है तो हम आपको अब एम्प्लॉई के पोजिशन पर नहीं रख सकते, और उसके लिए हम आपको क्या देंगे, हम आपको एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान देंगे, मतलब बेसिकली शेयर देंगे, लेकिन ये शेयर हम आपको आज नहीं देंगे, ये शेयर हम आपको कब देंगे, ये शेयर हम आपको 3 सालों के बाद देंगे। तो 3 साल रोकने का हो गया ना काम कि नहीं हो गया, 3 साल रोकने की स्कीम बन गई। ओके, तो यहां पर वो इंप्लॉई या सीनियर इंप्लॉई बोलेगा मुझे क्या जरूरत है ये 3 साल रुक के आपका शेयर लेने की,
मैं शेयर तो आज ही ले सकता हूँ या शेयर तो मैं 3 साल के बाद भी ले सकता हूँ, मार्केट में शेयर बिकने बंद थोड़ी हो गए। हाँ जी, तो वो बोलते हैं कि भाई हम आपको जो शेयर देंगे ना, आप कह रहे हैं मार्केट में बिकने बंद थोड़ी हो गए, अगर मार्केट प्राइसेस है 200 रुपये का तो हम आपको शेयर कितने का देंगे? हम आपको शेयर देंगे जस्ट 50 रुपीज का, खाली हम आपको 50 रुपये का शेयर देंगे, प्रोवाइडेड आप इन 3 साल हमारी कंपनी में रुके रहो, ये हमारी कंडीशन। ओके जी, अब उस एम्प्लॉय को या सीनियर एम्प्लॉय को अगर 3 साल रुकना होगा तो वह रुकेगा और अल्टीमेटली वो ये 200 रुपये का शेयर 50 रुपये का ले लेगा। वो 200 रुपये का शेयर क्या करेगा? 50 रुपये का ले लेगा। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं, बड़े सारे लूप होल हैं। पहले तो मुझे एक बात बताओ, जो मैंने आज 200 रुपये का रेट डिसाइड किया है, क्या वो 3 सालों के बाद 200 रुपये का होगा? हाँ जी, नहीं होगा। तो अगर ये भी उस एम्प्लॉय को लग रही है बहुत अच्छी बात कि भाई पहली बात तो वो 200 का शेयर मे बी 500 का हो जाएगा, क्योंकि वो तो सीनियर लेवल पे है, उसको तो फाइनेंस का सब कुछ पता है और उसको पता है मेरे को कैसे कैसे पॉलिसी बनानी है जिससे और कंपनी की जो रेपुटेशन है, जो वैल्यू है, जो वेल्थ है और क्रिएट होगी, तो शेयर की वैल्यू अपने आप ऊपर जाएगी। और साथ में यहां पर कंपनी उन एम्प्लॉय को लिंक करना चाहती है अपनी वेल्थ से उनकी वेल्थ में। मतलब वो कहते हैं अगर आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी है ना लॉन्ग टर्म में, तो हमारी वेल्थ बढ़ाओ, हमारी कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कल को आपको उसी का शेयर मिलना है तो आपकी वेल्थ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो जो कोई सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं आपको पता चलेगा उनके पास उनकी खुद की कंपनी के बहुत सारे शेयर हो जाते हैं, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनको बस शेयर्स ही शेयर्स मिलते हैं, उनको सैलरी एक लेवल तक की ही मिलती है, तो जो उनकी ग्रोथ होती है वो इन टर्म्स ऑफ शेयर्स होती है बस। ओके, और उन शेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और इसकी अकाउंटिंग एक कंपनी कैसे करती है, दैट वी हैव टू सी हियर ऑन। समझ आ गया बैकग्राउंड क्या टॉपिक का? ओके जी, तो यहां पर अब कंपनी को क्या देखना है, यहां पर कंपनी को देखना है कि ये जो 200 रुपये का शेयर है और मैं 50 रुपये का दूंगी, इसको मैं अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करूं? पहले तो मुझे बताओ 200 का शेयर 50 में देना, ये कंपनी के लिए क्या है? क्या ये कंपनी के लिए इनकम है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, क्या है? एक्सपेंस है, एब्सोल्युटली करेक्ट। पर हम लोगों ने तो पढ़ा हुआ कि जो एक्सपेंस है उसकी रिकॉर्डिंग हमेशा एक्रूअल बेस पे होनी चाहिए, तो ये जो मुझे 150 रुपये का लॉस दिख रहा है या जो 150 रुपये का एक्सपेंस दिख रहा है, इसको मैं कब रिकॉर्ड करूं? हाँ जी, कब रिकॉर्ड करूं? क्या आज ही कर लूं? आज मैंने अनाउंसमेंट की जस्ट कि हम लोग ESOP इशू करने वाले हैं उन एम्प्लॉयज को जो 3 साल तक हमारे पास जुड़े रहेंगे, तो क्या आज ही 150 रुपये पर शेयर का खर्चा अपनी बुक्स में अकाउंट फॉर कर दूं? एक्सरसाइज वाली डेट पे पूरा खर्चा अकाउंट फॉर कर दूं? हाँ जी, क्या ये जो 150 रुपये का मेरे को खर्चा पड़ रहा है, क्या ये बस लास्ट वाले ईयर की वजह से पड़ रहा है कि वो तीसरे साल रुका, या कितने पीरियड के लिए खर्चा मेरे ऊपर पड़ रहा है? तो फिर लास्ट ईयर में 150 रुपये रिकॉर्ड करना इज नॉट करेक्ट, यस और नो? हमको बिल्कुल लॉजिक्स पे बात करनी है। जहां पर भी आपको लग रहा होगा आपके बेसिक नॉलेज कुछ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, रेज योर वॉइस, फिर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये पॉइंट ऐसा क्यों है। बट आपको उसी वे में सोचना है कि जैसे हम बहुत बेसिक अकाउंटिंग कर रहे हैं। ओके जी, अब ये जो ऑप्शन दिया जाता है ये कोई एक और दो इंप्लॉय को नहीं दिया जाता, कोई दो ही सीनियर इंप्लॉय थोड़ी होते हैं किसी MNC में, पता नहीं कितने ही होंगे, और उनको कोई एक शेयर के लिए भी नहीं बोला जाएगा, उनको हम लोग बोलेंगे आपको ऐसे 1000 शेयर मिलेंगे। अरे एक शेयर पे 150 रुपये उसके बच भी गए तो क्या फर्क पड़ा, उसको कुछ भी नहीं पड़ा, 1000 क्या, मैं तो कह रहा हूं 10,000 शेयर भी हो सकते हैं। कुछ बड़ा अमाउंट होगा, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, तभी तो उसको मजा आएगा, तभी तो वो रुकेगा कि 3 साल के बाद मुझे 10,00,000 का फायदा होने वाला है। अगर आज मेरी सैलरी नहीं भी बढ़ा रहे, 3 साल बाद तो मुझे अच्छा खासा फायदा होगा, तो कुछ बड़ा अमाउंट हम उसको ऑफर करेंगे एज अ गेन, तभी तो वो रुकेगा। ओके, और ये ऑब्वियसली हम किसी एक दो एम्प्लॉय को नहीं दे रहे, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे। तो अगर ऐसा सिस्टम हर एक कंपनी ऑप्ट करने लग जाए, तो प्रैक्टिकली हम लोग अगर सोचें, ऐसे तो कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के कभी जाएगा ही नहीं। पर क्या ऐसा होता है कि कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाता? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, एम्प्लॉय तो तभी भी छोड़ के जाते हैं। तो आज मैंने अपने खर्चे की कैलकुलेशन करी, मैं एस्टीमेट लगा रहा हूं, भाई मैंने इतना बढ़िया ऑफर तो दे दिया, मैंने इतना बड़ा ऑफर तो दे दिया, और जिसकी वजह से मेरे ऊपर 3 सालों के बाद जो एक्चुअल में मेरे को पता चलेगा, बट बर्डन पड़ना तो शुरू हो गया, मेरे ऊपर 5 करोड़ रुपए का बर्डन आएगा, मेरे ऊपर 5 करोड़ रुपए का बर्डन आएगा, ऐसा मेरा एस्टीमेशन है। बातों बातों में हम पूरा टॉपिक
डिस्कस कर लेंगे। पर क्या ये एक्चुअल में 5 करोड़ रुपए का बर्डन है, इज इट ट्रू? क्या ये बर्डन इससे बढ़ सकता है या कम हो सकता है? बताओ जी, क्या ये सिर्फ बढ़ सकता है या सिर्फ कम ही हो सकता है? कितने लोग कह रहे हैं सर बढ़ भी सकता है? एनीवन? सर 5 करोड़ का एस्टिमेशन है, इससे भी ऊपर बढ़ सकता है। यस और नो? बढ़ सकता है। हाउ? मार्केट प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो मुझे ज्यादा बुरा लगेगा, मुझे लगेगा मेरा लॉस ज्यादा बढ़ गया, बट आज के टाइम में मैं यही सोच रहा हूं कि मार्केट प्राइस यही रहेगा। ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के सेंस में बताओ, क्या ये बढ़ सकता है? हाँ जी, क्या ये कम हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बड़े जोश में आते हैं सीए के अंदर, सच बता रहा हूं मैं आपको, बड़े जोश में आते हैं, फाउंडेशन भी क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं, कोई एक दो नहीं है, बल्कि इवन आप भी देख लोगे अपनी जर्नी में, फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर, पता नहीं फिर भी किसी रीजन की वजह से, ये भी नहीं कि वो इंटरमीडिएट में पास नहीं हो रहे कुछ, वो क्विट कर जाते हैं। हो सकता है ना कोई भी रीजन, अब उनको एक्चुअल में अपना ट्रू पैशन पता चला, उनको नहीं पता चला ये डेबिट क्रेडिट मेरी लाइफ के लिए नहीं है, ये अकाउंट्स टैक्स कॉस्टिंग, ये पेन से ही पूरी जिंदगी काम करना, ये कंप्यूटर पे बैठे रहना सिस्टम पे, ये मेरी लाइफ ही नहीं है। उसने अपना खुद का कोई टैलेंट ढूंढ लिया। ओके, ऐसा होता ना कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन साथ में आप 1 घंटा 2 घंटा किसी और चीज को भी देते हैं, कोई सिंगिंग को देता है, कोई फिटनेस को देता है, कोई किसी और को चीज को देता है, और अब उसने अपनी अंतरात्मा से बात की, अपने सोल से बात की, तो उसको पता चल गया यस यही मेरा ट्रू पैशन है, जिसमें काम मुझे काम नहीं लगता, जिसमें मुझे, अब आप में से कोई पैशन में ढूंढने लग जाना, पता चले अगली क्लास में आधे बच्चे गायब है। ठीक है, क्या कह रहा है? बॉडी बिल्डर बनेगा? अच्छा, तो क्लास में आ जाना, सीए भी बन सकते हो बॉडी बिल्डिंग के साथ। आजकल तो सीए बहुत स्मार्ट होते हैं, पुराने वालों को छोड़ दो, आजकल तो बहुत फिटनेस फ्रीक होते हैं हर कोई पर्सन, तो वो आप सीए के साथ भी, हाँ तो आप लोग सीए के साथ भी वो तो फिटनेस रख ही सकते हो, और वो तो वैसे भी जरूरी है। फिटनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं तो नहीं होगी, और फिटनेस कर ही रहे हैं तो फिटनेस ही होगी, ऐसा नहीं होता। चलो, इसके अलावा भी अगर किसी को कोई भी शौक था तो वो चला गया। सिमिलरली यहां पर मैंने एस्टिमेट किया था कि भाई आज हर पर्सन मेरा जो फॉर्म है वो भर के गया। आज मैंने एक फॉर्म भरा था, आज हमारे आईसीए का एक सेमिनार था, मतलब आज नहीं था, कल था, मैंने वो भरा था बट मैं नहीं जा पाया। तो ये फॉर्म तो भर दिया और उस हिसाब से हमने तो अपना एस्टिमेशन लगा लिया कि 5 करोड़ का खर्चा हमको ये 3 सालों में पड़ने वाला है। लेकिन कुछ लोग 1 साल के बाद ही उनको कुछ और भी बढ़िया ऑफर आ गई। कभी कभी आपकी जो दूसरी कंपनी होती है आपका जो लॉस है वो भी रिकवर करने की कोशिश करती है। अगर आप बोलते हो ना कि मैं आपकी कंपनी में नहीं जा सकता क्योंकि मेरा तो जिस कंपनी में काम है बॉन्ड साइन है, और अगर मैंने वो बॉन्ड तोड़ दिया, अभी 1 साल मेरे को वहां और काम करना है, तो मुझे वो 2 लाख रुपए उनको देने पड़ेंगे। तो वो नई कंपनी कहती है 2 लाख ही देने पड़ेंगे ना, आओ हमारी कंपनी में, 2 लाख हम आपको देते हैं, हमसे 2 लाख लेके आप उनको दे दो, हमारी कंपनी में आ जाओ। तो अगर ऐसे कुछ ऑफर मिल गए तो वो चाहे डेडिकेटेड थे कि हम लोग रुकेंगे, वो क्या करेंगे, चले जाएंगे। सिमिलरली और भी बड़े सारे रीजन हो सकते हैं, किसी के हेल्थ इश्यूज आ गए तो उन्होंने कहा भाई अब हमको काम वाम नहीं करना, अब अपनी फैमिली को टाइम देना है। किसी ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले ली कि हमको वैसे ही काम नहीं करना, 3 साल बहुत लंबा पीरियड है, बस इसकी वजह से कि हमको कुछ पार्ट मिलेगा ESOP का, हमें नहीं करना। तो ये जो आपका खर्चा है क्या हो सकता है, ये कम हो सकता है, ये खर्चा क्या हो सकता है, कम हो सकता है। और हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, डो नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो जब तक हमारे पास इस चीज की सर्टेनिटी नहीं आई कि एक्चुअल में भी इतने लोग छोड़ रहे हैं या जा रहे हैं, तब तक हम अपने एक्सपेंस को क्या नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे। पर जब हमको पता ही चल गया कि इतने लोगों ने लेफ्ट कर दिया, इतने लोगों ने लेफ्ट कर दिया जिनको ESOP की स्कीम दी गई थी, तो हम अपने अकॉर्डिंगली खर्चों को भी क्या कर देंगे, हम उनको भी कम कर देंगे। ये हमें डेटा कहां से मिलेगा, ये हमें क्वेश्चन में मिलेगा कि ईयर 1 के बाद इतने लोग गए, ईयर 2 के बाद इतने लोग गए, या उसके बाद इतने लोग। ओके जी, अब इससे रिलेटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए हैं, अब हम कुछ इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। क्या क्या होती है टर्मिनोलॉजी, सब लोग लिखना स्टार्ट करो। ओके, वो सारी टर्म्स उसी से रिलेटेड है जो सब हमने यहां पर डिस्कस किए। सबसे पहले आप लोग लिखोगे ESOP। It is a contract
दैट गिव्स द इम्प्लॉइज दैट गिव्स द इम्प्लॉइज द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड टू सब्सक्राइब फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द एंटिटी एट अ फिक्स्ड प्राइस कॉल्ड एज एक्सरसाइज प्राइस। ओके जी, तो ये क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? जस्ट एग्रीमेंट हो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, दोनों चीजों का होना जरूरी है। ओके, मेरे को ईएसओपी मिलना है, ऐसा मैंने बोला था, मुझे ईएसओपी लेना है, मैं रुक रहा हूं, मैं 3 साल रुक रहा हूं, मैंने एग्रीमेंट साइन कर दिया। ओके, कंपनी ने भी अपने स्टैंपिंग साइनिंग कर दी, बन गया कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? तो अगर अब मैं भाग जाऊंगा, क्या कंपनी मेरे ऊपर कोई केस करेगी? मेरे भागने से कंपनी खुश होगी या रोएगी? बताओ, कंपनी तो खुश होगी, अच्छा भाग गया, 1 साल काम कर गया, 1.5 साल काम कर गया, मैं तो कुछ भी नहीं दूंगी, मैंने तो देना ही तब था जब 3 साल कंप्लीट हो। 2 साल बाद भाग गया, 2.5 साल बाद, बहुत ही अच्छी बात है, जितना ज्यादा काम करके भागेगा मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ना। मैंने उसकी सैलरी बढ़ाई और शेयर वो अपना लेके नहीं गया, तो यहां पर कंपनी केस क्यों करेगी? और वो तो कर नहीं सकता क्योंकि वो खुद ही क्विट कर रहा है। तो ये चाहे कॉन्ट्रैक्ट है बट इसके ऊपर कोई केस नहीं बन सकता। ओके जी, तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द एम्प्लॉइज द राइट। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या देता है एम्प्लॉई को? राइट देता है, पावर देता है, एसेट देता है, बट नॉट ऑब्लिगेशन। ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं देता, कोई आपके ऊपर मैंडेटरी थिंग इंपोज नहीं हो रही, कोई आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आ रही कि आपको लेना ही लेना पड़ेगा। नो, इट इज जस्ट अ ऑप्शन, इट इज जस्ट अ राइट कि आप ले सकते हो अगर आप चाहो तो। आपको कंपनी नहीं मना कर सकती, लेकिन अगर आप खुद ही ना लेने जाओ तो कंपनी आपको फोर्स भी नहीं कर सकती। फाइन, और कंपनी तो इवन खुश हो जाएगी। फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, कि कितने पीरियड तक आपको काम करना है, टू सब्सक्राइब फॉर स्पेसिफाइड नंबर, जो नंबर डिपेंड करता है कंपनी आपको कितने ऑफर कर रही है, ऑफ शेयर्स ऑफ द एंटिटी, और वो प्राइस फिक्स्ड होगा। कल को कंपनी मना नहीं कर सकती कि भाई मार्केट प्राइस तो बहुत ऊपर चला गया, 50 रुपए में नहीं दूंगी मैं, 60 रुपए में दूंगी, 100 रुपए में दूंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो कंपनी ने प्राइस डिसाइड किया है, कंपनी को उसी पे आपको आफ्टर दैट पीरियड देना ही पड़ेगा। और उस प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, जिस प्राइस पे एम्प्लॉई एट आफ्टर दैट पीरियड क्या करेगा, ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा और पेमेंट करेगा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? ईएसओपी, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। आओ जी, अब हम लोग इस प्लान को वर्क करने के लिए क्या क्या की टर्म्स हैं उनकी बातें करें। की टर्म्स समझनी बहुत जरूरी है, बिकॉज यही आपके सब क्वेश्चंस में आएंगी, और अगर हमको इसमें कुछ भी डाउट हुआ तो हम गलत कर रहे होंगे। फर्स्ट इज ग्रांट डेट। फर्स्ट इज ग्रांट डेट, डेट ऑन विच शेयर ऑप्शन प्लान, डेट ऑन विच शेयर ऑप्शन प्लान इज अनाउंस्ड बाय द कंपनी। ये बस वो डेट है जब ये प्लान को अनाउंस किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, कंपनी ने अपने नोटिस बोर्ड पे डाल दिया,
कंपनी ने एक कॉमन ईमेल फ्रेम करके सबको दे दिया होता ना, ऐसा कभी कभी हमारे पास ईमेल आता है, वो सिर्फ हमारे पास नहीं आता, एक एक करके थोड़ी ईमेल भेजा जाएगा। अब इंस्टीट्यूट हमको ईमेल भेजता है, अगर स्टूडेंट्स को भेजता है तो सारे स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी पे एक ही बार भेज देता है, मेंबर्स को भेजता है तो एक ही बार ही भेजता है, तो ईमेल पे भेज दिया। तो मुझे बताओ, जब अनाउंसमेंट करी बस कंपनी ने कि ऐसे ऐसा ESOP आ रहा है, अगर आपको लेना हो आप ले सकते हैं, लास्ट डेट इसको आपको बताने की ये है, क्या इसकी कोई कंपनी एंट्री करेगी इस डेट पे? हाँ जी, क्या कभी कोई अनाउंसमेंट पे एंट्री होती है? आज बस हमने किसी भी चीज को अनाउंस करके कि हम जनरल एंट्री करेंगे, नो, अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो लिखो यहां पर नो एंट्री, नो एंट्री टेक्स प्लेस, नो एंट्री टेक्स प्लेस एट दिस डेट, इस डेट पे कोई भी एंट्री पास नहीं होने वाली। ओके जी, इस डेट पे कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, बस आज आपने अनाउंसमेंट की है कि आओ अपने अपने फॉर्म्स को फिल करो, जिससे कि हमें पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं अभी 3 साल और रुकने के लिए। और तीन साल में बार बार बोल रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 3 साल ही हो, वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है। ओके जी, तो इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो क्या स्टार्ट होगा? सेकेंड वन इज राइट इट डाउन, वेस्टिंग पीरियड। इसको हम लोग परफॉर्मेंस पीरियड भी बोलते हैं, कि अब अगर आप लोग रेडी हैं हमारे साथ और 2 साल 3 साल जुड़ने के लिए, तो अब आप मेहनत से काम करो, जिसका आपको फल मिलेगा आफ्टर 3 ईयर्स। तो दैट इज नोन एज पीरियड बिटवीन ग्रांट डेट एंड वेस्टिंग डेट। पीरियड बिटवीन ग्रांट डेट एंड वेस्टिंग डेट इज टर्म्ड एज वेस्टिंग पीरियड। इज टर्म्ड एज वेस्टिंग पीरियड, इट इज ऑल्सो नोन एज परफॉर्मेंस पीरियड। इसको हम लोग परफॉर्मेंस पीरियड भी बोलते हैं, बिकॉज यही वो टर्म है जिसके अंदर आपको परफॉर्मेंस देनी है, जिसके बेसिस पे आपको आगे ESOP एक्चुअल में मिलेगा। ओके जी, नेक्स्ट इज थर्ड एक्सरसाइज पीरियड। अब ये क्या होता है? अब हम लोग देखेंगे कि जिन लोगों ने स्टार्टिंग में फॉर्म फिलअप किए थे कि उनको ESOP चाहिए और वो 3 साल रुक रहे हैं और 3 साल पूरे हो चुके हैं हम लोग उनको कहेंगे कि हम आपको 15 दिन देते हैं, अगर आप अब एक्चुअल में ही, वैसे तो वो लेना ही चाहेंगे, अगर आप ESOP लेना चाहते हैं तो आप अपना अपना एक्सरसाइज प्राइस का अमाउंट हमें सबमिट कराइए, आप वो 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें डिपॉजिट कराइए। सो दैट इज नोन एज एक्सरसाइज पीरियड। इसके लिए भी 10-15 या 2 वीक्स अराउंड आपको दिए जाते हैं। तो लिखो इसमें पीरियड बिटवीन वेस्टिंग डेट एंड पीरियड बिटवीन वेस्टिंग डेट एंड एक्सरसाइज डेट इज नोन एज एक्सरसाइज पीरियड। अंडर दिस पीरियड अमाउंट हैज़ टू बी पेड बाय एम्प्लॉयज़ अवेलिंग ESOP। इस पीरियड के अंडर एम्प्लॉयज जो अवेल कर रहे हैं ESOP, उनको पैसे जमा कराने पड़ेंगे, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, जैसे भी कंपनी डिसाइड करेगी, ये पीरियड उतने टाइम का हो सकता है। ओके जी, तो कोई आएगा जब हम लोग अनाउंस करेंगे कि आप 2 महीने के अंदर पेमेंट करिए, कोई पहले ही दिन आ सकता है। ओके, कोई आएगा 1 हफ्ते के बाद, कोई 10 दिन के बाद, वो जैसे मर्जी आ सकते हैं। हम भी अगर बोलते हैं कि हमारा जो कोई भी बैच है इस डेट से स्टार्ट हो रहा है,
तो क्या एक ही दिन पे सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं? नो, अलग अलग डेट्स पे अलग अलग टाइम पे आते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एम्प्लॉयज अलग अलग टाइम पे एक्सरसाइज प्राइस क्या करने आएंगे, पे करने आएंगे। नेक्स्ट टर्म इज, आपको ना थोड़ा सा माइंड में इमेजिनेशन करनी पड़ेगी कि क्या सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो आपके आपकी एंट्रीज, आपके आंसर्स, कैलकुलेशन सब अपने आप ठीक होगी। आपको सिचुएशन में घुसना पड़ेगा कि कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है और उसकी थिंकिंग आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी, वो कैसे यहाँ पर एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करेगी। नेक्स्ट इज फोर्थ, मार्केट प्राइस और वी कैन से एमपी। इट इज द प्राइस ऑफ अ शेयर prevailing in the market. It is the price of a share prevailing in the market. Market में क्या share का price prevail कर रहा है, ये होता है market price. Fifth, intrinsic value. Intrinsic value ये क्या होता है, short में होता है IV. यही वो फायदा है, वो गेन है जो एक्चुअली में एम्प्लॉय को मिलता है अगर वो 3 साल यहाँ पर रुकता है, या यूं कहें यही वो लॉस है या एक्सपेंस है जो कंपनी को फेस करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है अगर एम्प्लॉयज 3 साल रुकते हैं। तो लिखो इधर गेन और एडवांटेज, गेन और एडवांटेज, गेन और एडवांटेज मेड टू एन एम्प्लॉय, मेड टू एन एम्प्लॉय। कोई भी गेन या कोई फायदा जो एक एम्प्लॉय को मिलता है, तो बताओ जी इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी, हमारे एग्जाम्पल में 50 रुपये हमने उनसे लिए थे और जबकि शेयर कितने का था, 200 रुपये का। तो बताओ कितने का गेन हुआ था? 150 रुपये का। तो कैसे कैलकुलेट हुआ? तो दैट मीन्स IV इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो देखो फॉर्मूलेस कुछ भी नहीं होते अकाउंटिंग में, आप खुद क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, अगर आप समझ पा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट चल क्या रहा है। ओके, तो यही वो इंट्रिंसिक वैल्यू है जो एक्चुअली में कंपनी के लिए खर्चा है और एम्प्लॉय के लिए क्या है, एम्प्लॉय के लिए एडवांटेज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सिक्स्थ, एक्सरसाइज प्राइस और वी कैन से ईपी। इट इज द प्राइस पेड बाय एम्प्लॉइज अवेलिंग ESOP। तो जो भी ये ESOP को अवेल कर रहे हैं उनको ये प्राइस पे करना पड़ेगा। ओके जी, चलो अब हम लोगों ने इतने सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स देखे, अब हम इसका ना एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं जिससे डायग्राम में सब चीजें समराइज हो जाए। आओ जी बताओ भाई, सबसे पहले क्या इवेंट होगा अगर हम ESOP टॉपिक की बात करें, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले किसको मिल रहा है, पहले ही पता चल जाएगा क्या मिल रहा है, किसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले तो कंपनी अनाउंसमेंट करेगी ना, पहले तो घोषणा होगी कि क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा, पहले अनाउंसमेंट तो करो, दिस इज ग्रैंड डेट और अनाउंसमेंट डेट। ठीक है जी, सबसे पहले तो यहां पर अनाउंसमेंट हुई कि हम करने क्या वाले हैं। ओके, अब क्या होगा? अब वेस्टिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जिन जिन लोगों को ऑप्शन लेने हैं वो फॉर्म भरेंगे और परफॉर्मेंस स्टार्ट करेंगे। तो यहां से लेके वीकेंड से, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए वेस्टिंग पीरियड,
और परफॉर्मेंस पीरियड। यहां पर अब इनको परफॉर्मेंस करनी है। अब ये कुछ भी टाइम हो सकता है, एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल, एज द केस में भी, इसी को हम लोग परफॉर्मेंस पीरियड भी बोलते हैं। इतने साल आपको परफॉर्म करना, और जिस डेट पे ये वाला पीरियड खत्म होगा उस डेट को क्या बोलेंगे, दिस इज वेस्टिंग डेट। बस यहां पर सारे ऑप्शन वेस्ट हो गए, मतलब क्लोज हो गए, सो दिस इज अवर वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट के बाद अब क्या होगा, अब हमको उनसे पैसे चाहिए, तो अब कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा, तो ये हो गया हमारे लिए एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड की जब विंडो क्लोज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर हम लोग टोटल कैलकुलेट करेंगे कि कितनों ने एक्सरसाइज किए, सो दिस इज अवर एक्सरसाइज डेट, दैट्स इट। अब आगे के पीरियड का हमको कुछ नहीं करना, ओके? तो यहां तक हमारा ईएसओपी का प्लान इस तरीके से वर्क करता है। पहले हम अनाउंस करते हैं, अनाउंसमेंट के बाद जो जो उसको अवेल करते हैं वो सब परफॉर्मेंस पीरियड में जाते हैं, वेस्टिंग पीरियड में जाते हैं। जब वो पूरा परफॉर्म कर लेते हैं तो वो आपका ऑप्शन वेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम उनसे पेमेंट मांगते हैं एक्सरसाइज पीरियड के अंदर, और वहां पर जो क्लोज होती है वो एक्सरसाइज डेट होती है। लेकिन इसके बीच में बहुत कुछ होने वाला है। क्या सब लोग मान लेते हैं ग्रांट डेट पे या जब ऑप्शन अवेलमेंट का टाइम था, अब इसको लिखना मत, ये बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, यहां पर 500 इंप्लॉइज थे, इज इट पॉसिबल क्या वेस्टिंग डेट पे भी हमारे पास 500 इंप्लॉय होंगे? नहीं होंगे। और इसके अंदर अलग अलग ईयर आते हैं, हमारी अकाउंटिंग बोलती है आपको एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना है ईयर बाय ईयर। हो सकता है यहां पर 500 थे, एक साल के बाद 50 भाग गए, तो यहां कितने बचे, 450, उसके बाद 50 या 70 और भाग गए, कितने बचे, 380, और एंड में भी जिन्होंने वेस्ट किए वो थे 350। ठीक है, तो देखो अलग अलग चेंजेस आ गए ना, तो हमको अकॉर्डिंगली क्या करना है, एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना। कभी कभी ऐसे हो सकता है हमने स्टार्टिंग में इतना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लिया कि उतने लोग ही नहीं बचे, फिर हमको उस एक्सपेंस को क्या करना पड़ता है, डी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? अगर मेरे ऊपर लॉस आ रहा था पर शेयर का, कितना आ रहा था, 150 रुपए का, मैं बस एक शेयर की बात कर रहा हूं इनिशियली, और मैं मान के चलता हूं कि जितने भी इंप्लॉयज हैं वो तीनों साल रहेंगे, तो अगर 150 रुपए का मेरे ऊपर लॉस आ रहा है 3 सालों का, तो मुझे बताओ मुझे एक शेयर का कितना लॉस अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करना चाहिए? हाँ जी, 50 रुपए करना चाहिए, यस और नो? क्योंकि हर साल का 50 रुपए है ना, ओके? हर साल का 50 रुपए, तो मैंने सारे इंप्लॉइज पे 50 रुपए का खर्चा रिकॉग्नाइज कर दिया, और पता चला ड्रास्टिक चेंज आ गया, किसी कॉम्पिटिटर कंपनी ने मेरे सारे इंप्लॉइज खरीद लिए। हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, और जो 50 रुपए का भी खर्चा है ना, ये भी मैंने ज्यादा रिकॉग्नाइज कर लिया, तो टोटैलिटी में 3 साल बाद भी ये एक साल का मेरा 50 रुपए का खर्चा जितना भी टोटल नहीं होना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? समझ में आ रही है सबको माइंड कैलकुलेशन, कि 50 रुपए का खर्चा भी जो मैंने सारे एम्प्लॉइज पे एक साल का कंसिडर किया वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर वो तीनों साल तक रुकेंगे ही नहीं तो मुझे बताओ क्या 50 का भी खर्चा मेरे ऊपर होगा, वो कितना हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, यस और नो? वो तो 0 हो जाएगा ना, और मैंने तो सब पे 50 रुपए का खर्चा कॉन्स्टिट्यूट कर लिया। हाँ, मानता हूं कुछ ऐसे भी इंप्लॉइज होंगे जिस पे पूरे 150 का भी खर्चा होगा, जो पूरे 3 साल रहेंगे उस पे 150 का भी होगा, पर सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद नेट में ये पता चल रहा है कि एक साल का 50 रुपए का खर्चा भी बहुत ज्यादा था, या यूं मान लें 2 साल के 100 रुपए का खर्चा भी बहुत ज्यादा था। तो मेरे को वहां पर एक्सपेंस को क्या करना पड़ता है, मेरे को उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, कि मैंने पहले ज्यादा रिकॉग्नाइज कर लिया, अब मुझे वापस से उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग है जो हमको यहां पर समझनी है, ओके? यस और नो? तो आओ जी, इसके बाद एक चीज और लिखते हैं हम लोग पहले। राइट इट डाउन। ईएसओपी बेसिकली 3 लेवल्स पे वर्क करते हैं। यहां पर लिखो टाइप्स ऑफ ईएसओपी। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं बचता। आपको लगेगा अकाउंटिंग तो सर इतनी सिंपल थी, वो इसीलिए सिंपल लगेगी बिकॉज हमने हर एक चीज को डिटेल में समझा है। तो 3 टाइप्स के यहां पर ईएसओपी होते हैं। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी सेटल्ड ईएसओपी,
सेकंड कैश सेटल्ड ईएसओपी, एंड थर्ड एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स विद कैश ऑल्टरनेटिव्स। तो ये थ्री टाइप के ईएसओपी होते हैं। आओ इसको पहचानते हैं, जानते हैं कि ये क्या थ्री टाइप्स। सब कुछ नेम में लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है इक्विटी सेटल्ड ईएसओपी, मतलब इन ईएसओपी को हम लोग सेटल कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर देके। हम शेयर से इनको सेटलमेंट करने वाले हैं और कोई दूसरा सोर्स नहीं है। तो लिखो सेटलमेंट थ्रू शेयर्स ऑन, सेटलमेंट थ्रू शेयर्स ऑन। सेकंड इज कैश सेटल्ड ईएसओपी, हम उनको कैश में सेटल करेंगे। तो सेटलमेंट थ्रू कैश, सेटलमेंट थ्रू कैश ऑन बेसिस ऑफ, लेकिन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑन बेसिस ऑफ ईएसओपी वैल्यू। उस डेट पे उस शेयर की कितनी वैल्यू है जो आपको शेयर दिया गया था इनिशियली, ईएसओपी की कितनी वैल्यू है। शेयर नहीं मिलेगा, उतना अमाउंट आपको कैश में मिल जाएगा। एंड थर्ड वन सेटलमेंट थ्रू ईएसओपी, मतलब शेयर के थ्रू, विद कैश ऑल्टरनेटिव। आप चाहो तो कैश भी ले सकते हो, नहीं तो हम आपको बेसिकली शेयर ही देंगे, ऑल्टरनेटिव है आपके पास। ओके जी, तो ये जो बाकी के दो ऑप्शंस हैं ये कहां पर लिखे हुए हैं अकाउंटिंग में, इट इज इन गाइडेंस नोट्स। आपको पता है हमारे अकाउंटिंग में गाइडेंस नोट्स भी होते हैं जो हमको आईसी इशू करता है। आपको एक स्टडी मटेरियल के साथ एक बुक मिली होगी अलग से अकाउंटिंग की, मिली है कि नहीं मिली, खोल के देखिए किसी ने। यस, खोल के देखिए किसी ने कि ऐसी पैक पड़ी हुई है। वो पैक ही रहेगी आपकी, डोंट वरी। तो वही आपके गाइडेंस नोट्स होते हैं। ओके, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेलेवेंट नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, जस्ट फॉर नॉलेज है। और एक्चुअल में आप इसको सीए फाइनल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपके कोर्स में नहीं है, नॉट इन कोर्स। हालांकि इस पे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी आ सकता है, बट स्टिल एज सच कोई कोर्स में नहीं है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकली है क्या, कोई प्रैक्टिकल आपसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एंड नाउ ईएसओपी इज अ कोर अकाउंटिंग टॉपिक, तो क्वेश्चन तो यहां से वैसे भी प्रैक्टिकल आना। तो बस आपको ये और बस यही पढ़ना है, दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड ऑन। तो आपको बस यही वाला टॉपिक यहां पर पढ़ना है, जब सेटलमेंट शेयर से ही होगी। ऐसा नहीं होगा शेयर्स की वैल्यू जितना कैश दे दिया, या फिर कुछ ऑल्टरनेटिव दे दिया कि आप शेयर ले लेना या कैश ले लेना। इसकी आप लोग अकाउंटिंग पढ़ेंगे सीए फाइनल के अंदर। ओके, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपके लिए यही वाला पार्ट रेलेवेंट है, मुझे बताना जरूरी था इसलिए मैंने यहां पर बताया। ओके, ये बैग क्यों पैक हो रहे हैं भाई इतनी जल्दी, ये तो मेरे को बड़ा गलत टाइम मिल गया। मेरे को तो उनसे बात करनी पड़ेगी कि सुबह वाला ही बढ़िया था, मेंटली प्रिपेयर तो होते थे कि 2 घंटे 3 घंटे की क्लास लेनी है हमको, यहाँ तो 2 घंटे की भी आप टाइमली नहीं ले रहे, 1 घंटे 23 मिनट हुआ अभी। ये तो पहली क्लास है, आज ही ऐसा होगा तो आगे कैसे चलेगा, आगे तो 1 घंटे 23 मिनट से खाली 23 मिनट रह जाएंगे। अभी तो इतने टाइम चेंज कर लूं तो क्या टाइम करूंगा। सुबह 6 से 8। अच्छा, आपकी पहली क्लास कितने बजे होती है? 8 बजे होती है, तो आ जाओगे सुबह? देखो ये ना वाले भी, अगर आ जाओगे तो ये तो सबसे बेस्ट टाइम है। बताओ कितने आ जाएंगे? वो उन्होंने सुना ही नहीं, वो कह रहे हैं हमारे बारे में बात क्यों हो रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ जाओगे 6 बजे? मेट्रो चलती है? ये वाले तुम तो घर बैठे हो, तुम तो ओके ऐसी बोलोगे, तुम तो एसी चला के आराम से देख रहे हो मैच। किनको दिक्कत है, दूर से आते हो इसलिए?
अच्छा कन्वीनियंस का इशू है, 7 बजे ओके है? 7 बजे तो ओके है, 7 बजे तो पहले भी नहीं आते थे क्या? खुल जाती है, देखो कह रहे हैं 5:30 हो। आंख नहीं खुलती, आंख आंख बंद करके आ जाना, आंख तो बंद करके आ जाना, यहां पर खुल जाएगी। देखो ऐसे रिस्पॉन्स से तो नहीं होने वाला कुछ, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप में ये एनर्जी नहीं होगी मैं यहां पर क्या कर लूंगा? अगर आधे बच्चे नींद में होंगे, सो रहे होंगे, मैं यहां पर क्या कर लूंगा बताओ? मेरे भी एफर्ट्स खराब जाएंगे। तो वही तो कह रहा हूँ, फिर क्या होगा उससे नहीं जगे हुए तो? इसलिए कहता हूँ नहा के आया करो, तभी आधे नींद में होगा। कब से पढ़ रहे हो? 8:30 बजे से, तो बीच में ब्रेक भी तो है। चलो मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा, आज के लिए तो इतना ही है। भूल मत जाना जो भी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं, अगली क्लास में हम लोग प्रैक्टिकली चीजों को पढ़ाएंगे।